Dear students, myself Rohit, Hartron Skill Center, Hansi. आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS Word डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन करना, उसके साथ साथ टेक्स्ट रैप ऑप्शन, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा पिक्चर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो अपनी पिक्चर्स को सेंड बैक एंड ब्रिंग टू फ्रंट करना। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है जो कि आपके टेक्स्ट के बीच में रैप कर रही है, यानी कि आपका टेक्स्ट आपके पिक्चर के चारों तरफ रैप कर रहा है। अगर आप अपनी पिक्चर को पेज वाइज पोजीशन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्लिक करना होगा पिक्चर फॉर्मेट टैब के अंदर पोजीशन ऑप्शन पर। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी जो पिक्चर होती है इन लाइन विद टेक्स्ट होता है, यानी कि आप इसे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर आपकी लाइंस होनी चाहिए वहां का कंप्लीट एरिया आपकी पिक्चर रिजर्व कर लेती है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपका ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये वेस्ट ना हो, यानी कि आप इस ब्लैंक एरिया के अंदर अपने टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पोजिशंस के अंदर ही विद टेक्स्ट रैपिंग अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। हमें सबसे पहला ऑप्शन यूज करना है पोजीशन इन टॉप लेफ्ट, यानी कि आप अपनी पिक्चर को आपके पेज के टॉप लेफ्ट के अंदर सेट करना चाहते हैं और आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी पिक्चर के चारों तरफ रैप करेगा। इसी तरह से हम इसे नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप सेंटर कर सकते हैं, राइट टॉप कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं, या फिर सेंटर यूज कर सकते हैं। तो ये सब पिक्चर्स आपकी पेज वाइज पोजीशन हो रही है। आप यहां से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना है नेक्स्ट टेक्स्ट रैप ऑप्शन। हम यहां क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट। ये ऑप्शन आपका आपकी पिक्चर को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन करता है। तो हम यहां क्लिक करेंगे। आप अपनी पिक्चर को कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए, आपकी पिक्चर वहीं एडजस्ट हो जाएगी, बट एक लाइंस का एरिया जो कि है वो रिजर्व कर लेती है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट आपके पिक्चर के चारों तरफ एज ए स्क्वायर राउंड करे तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस पिक्चर को अगर सेंटर में लेके आते हैं तो चारों तरफ आपको आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप इसे टाइट करना चाहते हैं जिससे आपका टेक्स्ट आपके पिक्चर का अकॉर्डिंग टाइट हो जाता है, आप इसे थ्रो कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपका टेक्स्ट आपके पिक्चर के टॉप एंड बॉटम के अंदर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि आप अपने पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे रखना चाहते हैं तो बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप अपने पिक्चर को आपके टेक्स्ट के सामने लाना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट टैब एंड क्लिक ऑन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इसी तरह से आप अगर अपनी पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो आपके पिक्चर आपके टेक्स्ट के सामने आ जाती है और आप देख सकते हैं कि आपके पिक्चर के पीछे काफी सारा टेक्स्ट आपका हाइड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, हम इसे पहले स्क्वेयर कर लेते हैं उसके बाद हम यूज करेंगे एडिट रैप पॉइंट्स। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। हम यहाँ क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पिक्चर के चारों तरफ ब्लैक कलर के डॉट्स आ जाते हैं। आप इन पॉइंट्स को पिक कीजिए और इन पॉइंट को जहां तक आप मूव करेंगे वहां तक आपका टेक्स्ट रैप नहीं होगा, यानी कि आपका टेक्स्ट वहां से हट जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने पिक्चर को सेट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग रैप करवा सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कहाँ कहाँ रैप करे। तो देख सकते हैं कि आपके पिक्चर का जो स्टाइल है काफी इफेक्टिव हो गया है। इसी तरह से आप इसे टॉप पर दोबारा क्लिक करेंगे। हम इस पिक्चर को टॉप के अंदर भी इस तरह से रैप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर काफी इफेक्टिव वे से एडजस्ट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मूव विद टेक्स्ट, यानी कि आपकी पिक्चर आपके टेक्स्ट के साथ मूव करेगी। ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी ऑन है। आप देख सकते हैं कि इसके आगे आपको टिक मार्क दिखाई दे रहा है। तो इसका यूज कैसे होता है, आपकी पिक्चर टेक्स्ट के साथ मूव करती है, यानी कि अगर आप अपने टेक्स्ट को डिलीट करते हैं तो आपकी पिक्चर उसके साथ मूव करेगी, यानी कि जहां का एरिया आपका ब्लैंक हो रहा है वहां आपकी पिक्चर एडजस्ट हो रही है, यानी कि वो एरिया आपकी पिक्चर यूज कर रही है। इसके साथ अगर हम पिक्चर को मूव करके यहाँ सेट कर देते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर रैप टेक्स्ट और अपनी पिक्चर की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, हम यहाँ क्लिक करेंगे जिससे आपकी पिक्चर की पोजीशन फिक्स हो जाती है। इसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को डिलीट करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो मूव नहीं करेगी, आपकी पिक्चर की पोजीशन फिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं कि आप अपना टेक्स्ट डिलीट कर रहे हैं लेकिन आपकी पिक्चर एज इट इज सेम पोजीशन के ऊपर फिक्स है। इसी तरह से आप अपने मोर लेआउट्स के अंदर जाकर
ये सभी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं इन लाइन विद टेक्स्ट। आपको स्क्वेयर करना है, टाइट करना है, थ्रो करना है, टॉप एंड बॉटम, जो कि आप अभी सीख चुके हो। इसके साथ साथ आप सीख सकते हैं रैप टेक्स्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट आपके पिक्चर के दोनों साइड रैप करें या फिर केवल लेफ्ट साइड रैप करें। ओके करेंगे हम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है केवल आपकी पिक्चर के लेफ्ट साइड में ही रैप कर रहा है। इसी तरह से हम यह यूज कर सकते हैं राइट साइड या फिर लार्जेस्ट ओनली, यानी कि आपके पिक्चर के जिस साइड ज्यादा स्पेस होगा वहीं आपका टेक्स्ट रैप करेगा। आप देख सकते हैं जहां आप ज्यादा एरिया छोड़ते हैं वहीं आपका टेक्स्ट रैप कर रहा है। इस तरह से आपने जो लेआउट सेट किए हैं आप उसे सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं, जो कि एज ए डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा पिक्चर्स यूज कर रहे हैं तो किस पिक्चर को हमने सामने रखना है और किस पिक्चर को हम बैक में रखें, इसके लिए हम एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पिक्चर, यहां से हम पिक्चर सिलेक्ट करेंगे जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। हमें यहां क्लिक करना है और इंसर्ट कर लेना है, जिससे आपकी एक और पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। और उसके बाद हम इस पिक्चर का लेआउट चेंज करते हैं, यानी कि आप रैप टेक्स्ट के अंदर जाकर इसे टाइट कर दीजिए या जिससे हम इस पिक्चर को कहीं भी एडजस्ट कर सकें। आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो पिक्चर है वो आपकी फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर आपकी दूसरे पिक्चर के पीछे चली जाए तो हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करके यूज करेंगे सेंड बैकवर्ड ड्रॉप डाउन ऑप्शन के अंदर सेंड बैक क्लिक कर दीजिए, जिससे देख सकते हैं कि आपकी जो पिक्चर है वो फर्स्ट पिक्चर के पीछे चली गई, यानी कि आपकी फर्स्ट पिक्चर थी और ये आपकी सेकंड पिक्चर है। इसी तरह से अगर आप इस पिक्चर को फ्रंट में लाना चाहते हैं तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड ड्रॉप डाउन के अंदर यूज करेंगे ब्रिंग फ्रंट, इससे ये पिक्चर सामने आ जाएगी। इसी तरह से ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें एक पिक्चर और इंसर्ट करनी होगी। हम इंसर्ट ऑप्शन के अंदर क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे पिक्चर और यहां से आप एक और पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए। इसका भी लेआउट हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट टैब के अंदर जाकर टाइट, यानी कि इस पिक्चर को आप अपने टेक्स्ट अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 3 पिक्चर्स हैं। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट टाइम आपने पिक्चर इंसर्ट की है केवल उस पिक्चर के पीछे आपने ये पिक्चर लेकर जानी है, सिर्फ एक ही पिक्चर बैक में लेकर जाना है, यानी कि एक स्टेप। तो हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करके करेंगे सेंड बैकवर्ड, यानी कि एक ही पिक्चर आपके बैक जाएगी। किस तरह से दोबारा से हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करके रिपीट करते हैं सेंड बैकवर्ड। इस तरह से आप अपनी पिक्चर को एक एक स्टेप पीछे लेकर जा सकते हैं और इसी तरह से ब्रिंग फॉरवर्ड एंड रिपीट करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, एक एक स्टेप आप इस पिक्चर को सामने लेकर आ सकते हैं। इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसी ड्रॉप डाउन के अंदर ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि आप अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के सामने लेकर आना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी है। अगर आप अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना होगा सेंड बैकवर्ड ड्रॉप डाउन के अंदर आपको क्लिक करना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि जिससे आपकी पिक्चर आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाती है। आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर जो है आपके टेक्स्ट के पीछे चली गई, यानी कि आपको आपकी पिक्चर के ऊपर ही आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आप इसे ब्रिंग टू फ्रंट करना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड ड्रॉप डाउन के अंदर क्लिक करना है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्लिक करेंगे। जिस तरह से आप अपने ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑप्शंस को भी यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हैं सिलेक्शन पेन, यानी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हुए हैं ये सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर 3, 2 एंड 1। आपको केवल यहाँ क्लिक करना है और आपकी वही पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमें नहीं पता किसमें से फर्स्ट पिक्चर कौन सी है, थर्ड पिक्चर कौन सी है, सेकंड कौन सी है, तो हमें यहाँ क्लिक करना है। तो ये हमारी थर्ड पिक्चर है, ये हमारी सेकंड पिक्चर है और ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है। अगर इसमें से हमें डिलीट करना है सेकंड पिक्चर को तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डिलीट ऑप्शन, जिससे आपकी पिक्चर डिलीट हो जाती है। अगर आप इन पिक्चर्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप इन्हें हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं। इस तरह से हमने सीखा पिक्चर फॉर्मेट टैब के अंदर पिक्चर को पेज के अकॉर्डिंग पोजिशन करना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन करना एंड यूज करना ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड ऑप्शन, उसके साथ साथ सिलेक्शन पेन। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।